इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वात कैपिटल रिजोर्ट पे। ये जो है एक सियाहती मुकाम तो हम कह सकते हैं कि मलम जबा उनको जाना चाहिए, कालाम जाना चाहिए, बहरीन जाना चाहिए, इस तरह बहुत सारे दीगर मकाम भी। जनाब शरीन ज़ादा साहब वो मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल के साथ काम भी करते हैं लेकिन उनका यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उम्मीद करता हूँ जितने भी नाज़रीन हैं आप खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वात कैपिटल रिजोर्ट पे। ये जो है एक सियाहती मुकाम तो हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आया करते हैं, इसको विज़िट करते हैं। और ये जिस तरह बनाया गया है तो पूरी विलाग इस पर हमने बनाया है वो आप देख सकते हैं। लेकिन एक बात ये करनी थी कि बस टूरिस्ट जो पंजाब से, सिंध से या इस तरह के पीके के जो लोअर इलाके हैं वहाँ से आना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि उनके लिए कौन सी जो है जगह सूटेबल है। मलम जबा उनको जाना चाहिए, कालाम जाना चाहिए, बहरीन जाना चाहिए, इस तरह बहुत सारे दीगर मकाम भी है। तो यहाँ पर एक जर्नलिस्ट है जनाब शरीन ज़ादा साहब, वो मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल के साथ काम भी करते हैं लेकिन उनका यूट्यूब चैनल है। मैं उसका स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप इसको लाजमी विज़िट कीजिएगा। आप आना चाहते हैं सवात के अंदर, आप एक टूरिस्ट है तो इस चैनल पर बिल्कुल मुसलसल जो है रेगुलरली अपडेट शेयर की जाती है कि कौन से सियाहती मकाम है जहाँ पर रश ज़्यादा है, मसाइल है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह आना है, तो मुख्तलिफ किस्म के अपडेट शेयर की जाती है। आपने ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर देना है, इसको आपने विज़िट कर देना है अगर आप एक टूरिस्ट हो। और बाकी मेरी भी भरपूर कोशिश रहेगी कि इस चैनल की वसादत से आपको हर किस्म जो टूरिज़म के हवाले से जो स्पॉट्स है उसके बारे में आपके साथ अपडेट्स मैं शेयर करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।